दोस्तों, मैं हूं पूमा सादिया और मैं अपने चैनल सादिया स्टूडियोज़ पे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इटली में रहता हूं और यहां मैं रहता हूं, शहर का नाम है पार्मा। मैं आज के वीडियो में आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा, जो यहां का सिस्टम है कूड़े का, गार्बेज का, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो है पोल्यूशन भी कम होता है, गंदगी भी कम होती है। तो देखते हैं ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे हमारे इंडिया में शहरों में म्यूनसिपल कमेटी होती है, गांव में पंचायत होती है, यहाँ शहर और गांव के लिए एक ही चीज़ होती है, जिसे कमूने बोलते हैं। और ये जो गार्बेज और कूड़े का जो सिस्टम है, ये कमूने के अंडर ही आता है। और पार्मा हमारे शहर में कमूने के अंदर उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसको बोलते हैं ईरन। ईरन जो है ये सब का सिस्टम देखता है। और ईरन आज से 8-10 साल पहले एक नई चीज़ लेके आया, क्योंकि उससे पहले जो सभी तरह का कूड़ा था, जो भी घर का सामान या ऑफिस का या दुकान का था, ये प्लास्टिक के काले बैग में डाल के फेंक दिया जाता था। तो ईरन एक नई चीज़ लेके आया। ईरन ये आइडिया लेके आया कि जो कूड़ा है वो डिवाइड किया जाएगा 5 हिस्सों में, और उसके लिए उन्होंने घरों में 4 बिन दे दिए कि आपको जो कूड़ा है डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे होगा कि प्लास्टिक अलग होगी और जो कागज़ है, पेपर है, वो अलग होगा। रसोई में से जो भी बचता है, खाने पीने का सामान जो भी हो, वो जाएगा अलग बिन में। और जो चौथी बिन होगी वो होगी काले रंग की, उसके अंदर वो सामान जाएगा जो इस सब सामान के अलावा है, वो जाएगा काले में। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये बिन कैसे होते हैं। तो ये हैं वो 4 बिन। सबसे पहला है पीले रंग का, प्लास्टिक के लिए। इसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स जाएंगी और जो कैंस होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, वो भी इसके अंदर जाएंगे। दूसरे नंबर पे है ब्लू कलर का। ब्लू कलर का बिन, इसके अंदर जाएगा पेपर, अखबार, कागज़ का, गत्ते का, वो इसके अंदर जाएगा। तीसरे नंबर पे है बिन, इन्हें ब्राउन कलर का, इसके अंदर जाएगा ऑर्गेनिक सामान। ऑर्गेनिक सामान वो होता है जो रसोई में खाने पीने का सामान जो बचता है, उसके ऑर्गेनिक बोल देते हैं, वो सभी इसके अंदर जाएगा। और चौथे नंबर वाली काली जो बिन है, इसके अंदर इसके इन चीज़ों के अलावा जो भी सामान है वो इसके अंदर जाएगा। कांच हमने ऐसे अलग कर दिया है और इसको किसी लिफाफे में डाल के हम फेंक सकते हैं। ये है ये सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ। ये देखिए कि यहाँ काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं। तो ईरन ऐसे करती है कि हर सोसाइटी को बड़े बिन दे देती है। जैसे देखिए ये है, 3 बड़े बिन दिए उन्होंने, एक पेपर इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये साथ में देखिए उन्होंने बिन भी दिया है ऑर्गेनिक के लिए, जो रसोई का जो सामान बचा वो इसे हम डाल देते हैं। तो मैं अभी खड़ा हूँ अपनी सोसाइटी के गेट के बाहर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईरन ने दिन फिक्स किए हुए हैं, जैसे सोमवार है प्लास्टिक और खाने पीने का सामान जो ऑर्गेनिक होता है, मंगलवार को लिए जाते हैं पेपर गत्ता जो भी है, और वीरवार को लेके जाते हैं वो सामान जो काली बिन में होता है। और अभी मैं दिखाता हूँ कि जो ग्लास की बोतल है कहाँ फेंकी जाती है। ये देखिए, ये है वो ग्रीन बिन जिसके अंदर ग्लास की बॉटल्स जाती हैं। जैसे इसके ऊपर लिखा भी है वेत्रो, वेत्रो का मतलब है ग्लास, और नीचे फोटो भी बनी है ग्लास बॉटल्स की। ये जो बिन होती है कॉमन बिन होती है, जो पूरी एक गली या स्ट्रीट में होती है, तकरीबन हर 50 या 100 मीटर के बाद ये बिन होती है। और इसके साथ में एक और बिन है, ये देखिए, ये भी ग्रीन कलर की है, पर इसके अंदर जाती हैं लकड़ की, जैसे पत्ते होते हैं, जो वृक्ष की जो टाणी होती है वो इसके अंदर जाती हैं। तो ईरन ने पार्मा के अंदर कुछ ऐसे एको स्टेशन भी बनाए हैं। यहाँ पे ऐसे सहूलत है कि आप जो कूड़ा यहाँ लेके आ सकते हैं, जो थोड़ा बहुत कूड़ा है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है, तो अपना आपके पास एक कार्ड होता है, जिसको यहाँ पर डॉक्टरी कार्ड भी बोलते हैं, उसकी मदद से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आप जितना भी कूड़ा इस इनमें डाला जाएगा, वो उसके जो वेट के हिसाब से आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स जो हैं बाद में जो पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आप इसको रिफ़ंड कर सकते हैं, जो आपका जो बिल है जो आता है, जो ईरन की तरफ से जो होता है यहाँ का, उसमें से जो कम हो जाता है। ये बहुत अच्छी सहूलत है। ऐसे होता है कि जो कूड़ा है कोई बाहर नहीं फेंकता, ऐसे जो स्टेशन वहाँ फेंक देता है, उसको फ़ायदा भी होता है। मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, जो पार्किंग है हमारे घर के पास ही सुपरमार्केट है सिलूंगा, उसके अंदर यहाँ आपको दिखाता हूँ कि एक अलग तरह के बिन है। ये जो बिन लगाती है यहाँ का एक सोशल संस्था है, उन्होंने ये बिन लगाए हैं जिसको जिसके अंदर आपके जो घर के जो कपड़े जो बच जाते हैं, अच्छी कंडीशन में, फटे पुराने नहीं हैं, जो जूते हैं, बेल्टें हैं,
वैसा सामान जो होता अच्छा है पर अब छोटा हो जाता है, यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इसके अंदर इसको फेंक सकते हैं। ये संस्था है जो जहाँ से ये ले जाती है और जो गरीब जो होते हैं उनके अंदर ये बांट देती है। ये बहुत अच्छा उपराला है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहता था, मुझे पता चला है कुछ लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए ये होता है कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद अपने आप जो हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी जो ईमेल जो दी थी अपने YouTube के लिए, जो गूगल की होती है, वही आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर एंटर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।